गाइस वेलकम टू माय चैनल और इस वीडियो में हम क्लास एट का चैप्टर का 9 करने वाले 8 और उससे हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं अगर आपको वो चाहिए तो एट क्लास की प्ले में जाइए और आपको चैप्टर थ्री की प्ले के अंदर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास ये वीडियोज आती रहें दीडियो so, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंटरेस्टिंग है अभी तक जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इस चैप्टर में अधिकतर कौन से क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको x या y किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है ठीक तो है तो RIS क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर बोथ r i s के रिस्क एंड c l u e आर पैरेललोग्राम्स दो पैरेललोग्राम गिवन है रिस्क और क्लू ठीक है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है कि आपको फिगर को रीड करना है आप देख के कहेंगे ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है कि इसमें तो समझ ही नहीं आएगा कैसे क्या वैल्यू निकली निकलेगी लेकिन जब आप फिगर को बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ेंगे वो कैसे रीड करना होता है हमें फ़िगर को वो अभी मैं बताऊंगी आपको उसके बाद आपको अपने आप सोल्यूशन मिल जाएंगे कि हाँ इस क्वेश्चन में ये पॉसिबिलिटी है उसी के थ्रू ये वेरिएबल की वैल्यू आ सकती है तो सबसे पहले r i s k अगर मैं इसको अलग बनाती हूं तो ये कुछ पैरेललोग्राम इस तरीके से बना हुआ है ठीक है मतलब मैंने दोनों फिगर को अलग कर दिया r i s k अब अगर आप देखोगे r i s k r i s k ठीक है मतलब ये रिस्क जो पैरेललोग्राम है वो मैंने अलग बना दिया दूसरा है क्लू c l u e यहाँ पे ये इस तरीके से बना हुआ है अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूं तो ये पूरी फिगर बन जाएगी ठीक है ना जैसे कि अगर इसको छुपा लो तो ये पैरलिलोग्राम बन रहा है इस लाइन को छुपा लो तो ये पैरलोग्राम बन रहा है ठीक है सिर्फ क्या किया हुआ है यहां पे एक लाइन ऐड की हुई है ये वाली आईसी सिर्फ ये ऐड की हुई है अगर ये ना हो अगर मैं इसको मिटा दू तो ये पैरलिलोग्राम अलग है और ये पैरलिलोग्राम अलग है जिसके बीच में ये चीज कॉमन आ रही है यानी कि ये ट्राइंगल कॉमन आ रहा है ई ओ एस तो इन्होंने सिर्फ ये ज्वाइन किया हुआ है अब यहां पे सी एल यू ई बहुत सिंपल तरीका हो जाएगा अब देखो ये एंगल गिवन है 120 ठीक है ये एंगल गिवन है सेवेंटी डिग्री अगर मैंने दोनों को अलग अलग करके देखा तो हमारे पास एंगल क्या है एंगल के आ रहा है वन ट्वेंटी एंगल सेवन गिवन है सेवेंटी डिग्री एंगल आ, एल गिवन है सेवेंटी डिग्री निकालना है हमें एक्स जो कि इन दोनों फिगर को ज्वाइन करके यहाँ सेंटर में बन रहा है ओ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है अब सबसे पहले आप ये सोचिए एक्स की वैल्यू कैसे आ सकती है देखो यहाँ पे ये सेंटर में है हम किसी भी तरीके से की वैल्यू नहीं निकाल सकते सिर्फ एक तरीका है अगर हम ई ओ एस यानी कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है EOS, इसके अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे ट्रायंगल वाली 180 डिग्री वाली तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है ये वाले एंगल की और इस वाले एंगल की यानी कि अगर मैं इस वाले पैरलिलग्राम में देखूँ आर आई एस के में तो एंगल एस की ज़रूरत है जो कि ये है ठीक है और अगर मैं सी एल यू ई में देखूँ तो मुझे एंगल ई e की ज़रूरत है ठीक है अगर एंगल ई e आ गया और एंगल एस आ गया तो हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है तो अब सबसे मेन चीज आप अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ते आए हैं पेरलिलोग्राम की काफी सिंपल है अब हमें क्या करना है ये एंगल निकालना है सबसे पहली चीज ये दोनों एंगल एक गिवन है दूसरा निकालना है क्या हो सकता है अगर ये 120 है तो ये क्या होगा एक प्रॉपर्टी अभी पहले मैं लिख लेती हूं यहां पे इन पैरलिलोग्राम आर आई एस के एंगल के प्लस एंगल एस Is equal to 180 degree. अब इसका रीजन आपको याद आ जाएगा एडजेसेंट का मैंने आपको मतलब क्या बताया हुआ साथ -साथ वाले. मतलब साथ साथ वाले तो आर आर 180 लिख देती हूँ सप्लीमेंट्री या 180 एक ही बात है ठीक है यहां पे क्या किया हमने हमें प्रॉपर्टी याद थी आप पहले प्रॉपर्टीज याद कर चुके हैं पहले की वीडियोस के थ्रू अब यहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज करा हमने कैसे हमें ये एंगल चाहिए 120 ये गिवन है तो एक ही चीज हो सकती है इससे एडजस्टेंट एंगल को प्लस कीजिए और ये वाला एंगल निकाल लीजिए एंगल s एंगल k क्या गिवन है 120 इज इक्वल टू ये आ गया 180 डिग्री अब एंगल s जो ये 120 है ये दूसरी साइड ले जाके कर दीजिए माइनस तो एंगल s आ गया आपका 60 डिग्री ठीक है सो ये एंगल आ गया आपका 60 डिग्री यानी कि एंगल एस ये, ये मैं यहां लिख देती हूँ आपका 60 डिग्री अब बारी है एंगल ई e की यानी कि इस एंगल की तभी हम इसमें प्रॉपर्टी लगा पाएंगे तो इस एंगल के लिए एंगल ई e के लिए आप इस पैरिलोग्राम को देखो आप इन पैरलिलोग्राम सी एल यू ई क्ल्यू एंगल एल इज इक्वल टू एंगल ई और रीजन क्या होगा पैरलिलोग्राम की प्रॉपर्टी में और क्या क्या चीजें होती हैं अपोजिट साइड इक्वल होती हैं अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं दैट मीन्स दोनों इक्वल होंगे ओपोजिट एंगल्स ऑफ पैरलोग्राम आर इक्वल यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आपको कुछ भी चीज़ शॉर्ट में नहीं लिखनी है तो एंगल एल यदि 70 डिग्री है तो एंगल ई e भी कितना हो गया 70 डिग्री अब यहाँ पे देखो ये सेवेंटी आ गया That means, ये एंगल सेवेंटी डिग्री आ गया अब हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है सी ये एंगल आ गया और ये एंगल आ गया अंदर वाला ठीक है क्योंकि देखो ये एस एंगल है तो ये एस अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो इस पैरिलोग्राम में इसको हटा दिया तो 120 और 60 और इस पैलिलोग्राम में इसको हटा दिया 70 और उसका अपोजिट 70 ठीक है तो दोनों एंगल आ गए अब हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ ये फिगर अब मैं ही रेस कर देती हूँ आई होप आपको इससे काफी अच्छे से समझ आ गया होगा सी इन ट्राइंगल ई एस यहाँ पर ना ये चीज़ मैंशन कर दोगे क्योंकि ये स्टेप्स के ना मार्क्स होते हैं ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिखोगे तो कट जाएंगे हाँ हाइयर क्लास भी आप ऑब्वियसली एर्थ में हो हाइयर क्लासेस में और जाओगे तो कटेंगे इसलिए पहले से ही हैबिट डाल लो जब भी आप किसी भी पेरेलोग्राम या ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उसके अंदर की किसी चीज की बात कर रहे हैं तो आप उसको मेंशन कर दो जैसे कि इन पेरेलोग्राम रिस्क इन पैरिलोग्राम क्ल्यू इन ट्राइंगल ई एस एंगल ई एस ई ओ लिख लेती हूँ एस ई ओ से मतलब है ये बीच वाला एंगल एस ई ओ सी एस ई ओ ऐसे बन रहा है एस ई ओ तो ये एंगल काउंट होता है वो ठीक है ये चीज याद रखनी है एंगल ऐसे देखते हम ई एस ओ प्लस ई ओ एस इज इक्वल टू वन एटी डिग्री रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइ ये रीजन है अब एस ई e, ओ यानी कि एंगल ई e, सेवेंटी डिग्री सिक्सटी डिग्री प्लस तीसरा एंगल एक्स गिवन है इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री सेवेंटी प्लस सिक्सटी इज वन थर्टी डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एक्स इज इक्वल टू वन एट्टी ये वन थर्टी वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और वन एट्टी में से जब आप वन थर्टी को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा फिफ्टी डिग्री ठीक है क्लियर हुआ क्वेश्चन इस तरीके से एक्स की वैल्यू निकलेगी अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आपको दो फिगर जो मैंने अलग अलग करके बताई हैं ये भी आपके लिए बेसिक है ठीक है जब आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको अलग बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप उसी को समझ जाएंगे कि हाँ ये एंगल से ये निकल सकता है दिस एंगल से ये निकल सकता है और इस पैर इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एक्स की वैल्यू आ सकती है ये मैंने अलग करके सिर्फ इसलिए समझाया क्योंकि कई बार फिगर हमको कॉम्प्लिकेटेड लगती है एक तो फिगर बनाने का तरीका फिगर आपको नोटबुक में हमेशा बनानी है बुक से जब भी आप फिगर देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है बुक में फिगर देखी बुक में ही खिचड़ी बना दी फिगर को नोटबुक में नोट डाउन कीजिए बनाइए उसको ड्रॉ कीजिए क्योंकि जब आप फिगर बनाते हैं ना तो आपको समझ आता है कि अच्छा ये फिगर में हमने यहाँ पेरलोग्राम बनाया ये जो हमने ये एक लाइन खींची एक तरीके से डायग्नल बन रहा है तो आधा क्वेश्चन तो फिगर बनाने के टाइम पे ही आपको समझ आ जाता है तो फिगर को बनाइए और जितना सिंपल करके बना सकते हैं उतना सिंपल करके बनाइए ताकि फिगर क्योंकि फिगर पे ही पूरा क्वेश्चन बेस्ड होता है फिगर समझ आ गई ये पता लग जाएगा कि करना क्या है ठीक है सलेस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन

यानी कि कौन सा ऐसा एक पेयर है जो पैरेलल है आपको पता होगा कि ट्रेपेज़ियम में दो साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के और दो साइड्स जो होती हैं नॉन पैरेलल होती हैं ठीक है ठीके? अब ये पैरेललोग्राम तो हो नहीं सकता क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती है यहां पे सिर्फ एक पेयर पैरेलल है दूसरा नहीं है Parallel का मतलब जो कभी भी जिसको कितना भी एक्सटेंड कर लो वो कभी भी मीट ना करें यानी कि आगे जाके इंटरसेक्ट ना हो और अब ये दूसरी अगर मैं पैरल लाइन देखती हूँ इसको पैरल नहीं है जो एक्सटेंड करके तो यहाँ पे ना ये मीट हो रही है दैट मीन्स ये पैरल लाइन्स नहीं है तो ट्रपीजियम की पहले प्रॉपर्टी तो यही होती है कि एक पेयर पैरल होता है दूसरा पेयर पैरल नहीं होता है ठीक है और जो पैरल होता है वो इक्वल भी नहीं होता है ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि वो इक्वल है क्योंकि आप देख सकते हैं एक छोटी होती है और एक साइड बड़ी होती है अब एक प्रॉपर्टी क्या आती है हम एक पैरिलोग्राम में अभी तक क्या पढ़ा कि जो एडजस्टेंट एंगल्स होते हैं चाहे वो ये दोनों हो ये दोनों हो ये दोनों हो या साथ साथ वाले कोई भी एंगल्स हो दो एडजेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं ठीक है लेकिन ट्रिपीजियम में भी एक प्रॉपर्टी है कुछ इसी तरीके की लेकिन उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है ध्यान से समझना पैरल लाइन्स हैं हमारे पास ये दोनों दो एंगल्स गिवन है एक ये एंगल और एक ये दोनों एडजेंट है साथ साथ वाले हैं अब हमें इसका सम करके देखना है पहले मैं आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन बता देती हूँ उसके बाद में बताती हूँ कि वो सोल्यूशन क्यों आया ठीक है एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू हंड्रेड डिग्री प्लस एट्टी डिग्री विच इज वन डिग्री ठीक है तो यहां पे लिखना है सो दे आर मेकिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स एज वेल एज दे आर ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं दूसरा तरीका क्या होगा कि दे आर द टू एंगल्स आर ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स एंड आर मेकिंग सप्लीमेंट्री या फिर एंड मेकिंग वन एट्टी डिग्री अब यहाँ पे फर्क क्या है आप कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम की भी है कि एडजस्टेंट एंगल्स जो होते हैं यानी कि साथ साथ वाले एंगल्स यहाँ पे ना हम इसको एडजस्टेंट नहीं बोलेंगे एडजेसेंट क्यों नहीं बोलेंगे है तो ये भी साथ साथ वाले लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों लाइन तो पैरल लाइंस हैं ठीक है सी ये दोनों लाइन तो पैरल हैं तो यहां पे जो एक ट्रांसवर्जल निकल रही है तो ये एंगल और ये एंगल अगर मैं इसको ना बनाऊं और ये लाइन्स को एक्सटेंड कर दू जैसे कि अगर मैं इसको भी बना लेती हूँ तो ये जो ट्रांसवर्सल बनी है ये इसके इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स हैं ना कि एडजेसेंट एंगल्स हैं। पैरिलोग्राम में ऐसा होता है लेकिन पैरिलोग्राम में एक एंगल ऑप्ट्यूज और एक एंगल आ, एक्यूट होता है आप उसको भी छोड़िए आप सिर्फ इसको समझिए कि यहां पे चारों एंगल एडजेसेंट नहीं हो सकते क्यों देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो चलो मैंने मान लिया कि दोनों पैरल हैं ठीक है लेकिन एडजेसेंट तो ये भी हैं ये और ये भी साथ साथ है लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है विच मीन्स कि ये 180 तो नहीं बनाएंगे ऑब्वियसली पैरेलल लाइंस हैं तो 180 नहीं बनाएंगे तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है जो ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना ट्रांसवर्सल वाले इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स ये और ये ये और ये ये दोनों 180 बनाएंगे ये दोनों 180 बनाएंगे ये दोनों वन इटी नहीं बना सकते और ना ही ये दोनों वन इट्टी बना सकते क्योंकि अगर हम इन दोनों को देखें तो ये पैरल लाइन्स के बीच में नहीं है इन दोनों को देखें तो ये पैरल लाइन्स के बीच में है इन दोनों को देखें तो ये भी पैरल लाइन्स के बीच में है इन दोनों को देखें तो ये पैरल लाइन्स के बीच में नहीं आ रहे हैं ठीक है दैट मीन्स ये दोनों मिला के वन एट्टी होगा तो ये तो दोनों तो मिला के भी वन एट्टी होगा ये दोनों मिला के वन एट्टी नहीं होगा ना ही ये दोनों वन एटी होगा ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है और जरूरी नहीं है कि एक पे यार अगर वन एट्टी आ गया है तो दूसरा भी वन एट्टी ही हो ठीक है मतलब कि यहाँ पे कुछ और एंगल आ सकता है यहाँ पे कुछ और एंगल आ सकता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है हम आप इंट्रोडक्शन की वीडियो में जाके देखिए तो, तो दे आर मेकिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स एज वेल एज दे आर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं एल तो एम एन इज अ ट्रिपीजियम और आपको मालूम है कि यहाँ पे पूछा गया है कि पैरेलल लाइंस कौन सी हैं तो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं के एल और एम एन के एल एन एम एन आर द पैरेलल लाइंस। अब वो हमें दिख रहा था लेकिन इसमें पूछा गया था तो हमने कैसे पता लगाया क्योंकि यही दो एंगल्स हैं अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूं तो ये ट्रांसवर्सल जो बन रही है ना ट्रांसवर्जल तो पैदल लाइंस के बीच में ही बनती है ठीक है और हमें नज़र आ रहा है कि ये दो दो पैदल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्जल निकल रही है और उसके बीच के दोनों एंगल्स 180 आ रहे हैं दैट मीन्स कि ये दोनों पैदल लाइंस हैं और साथ ही वो अगर 180 एट्टी है तो ये एक ट्रिपीजियम की प्रॉपर्टी भी है कि दो पैदल हैं बाकी नहीं है ठीक है एक पेयर पैल है दूसरा पेयर पैदल नहीं है सो so, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा और अभी आगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो और स्टेट यून टू माई चैनल

है, तो बेसिक से बेसिक चीजें आपके कई बार वीक हो जाती हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट करेंगे तो मैं वो वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में आपके लिए पेस्ट कर दूंगी सो दैट्स इट फॉर टूडेज गाइस डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू